तो गाइज अभी देख सकते हैं ये खुल चुका है, क्लच प्लेट अभी चेक की थी, ये भी जल चुकी है और देख सकते हैं कितना गंदा और अंदर, और ये रही अपनी क्लच प्लेट है, काफी बदतर हालत हो चुकी है, अभी ये चेंज कराएंगे। काफी जाम लग चुका है, आगे से मिलता हूँ आप लोगों को। आप ऐसे कट का मार रहे हो इधर तो ब्रेक मार लो ना। गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, तो कैसी है मेरी स्मॉल सी यूट्यूब फैमिली, आई होप ठीक होगी और होनी भी चाहिए। और आपका भाई अभी जा रहा है सीधा शोरूम गाड़ी का काम कराने, यानी कि वैनम का काम, और अभी होटल से निकल गए, सीधे इधर आ चुके हैं पार्किंग पे। आप लोग देख सकते हैं पीछे करण भैया गाड़ियों को स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी हम सीधा जा रहे हैं रामपुर रोड पे क्योंकि यामा शोरूम पे, और वहाँ पे काम कराना है गाड़ी का, सारा काम दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, क्या क्या इशू आ रहा है गाड़ी पे वो सब कुछ। और कल रात को काफ़ी थक चुके थे, हालत नहीं थी और वीडियो शूट करने की, तो तभी हमने आप लोगों को रूम भी नहीं दिखा पाए, हम आप लोगों को काम स्टे कर रहे थे। बट ये है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ पहले स्टे कर रहे थे अभिषेक भैया मैं उसी रूम पर हम थे, और आज अभी जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे का व्यू। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और देख सकते हैं अभी हम सीधे निकल रहे हैं काम करवाने, करण भैया देख सकते हैं आगे निकल गए हैं, मैं भी पकड़ता हूँ उनको, पूरा काम होगा गाइस। और अभी चल रहे हम सीधे शोरूम की तरफ, अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी करण भैया के गाड़ी का क्लच भी बनाना है गाइस क्योंकि क्लच फंस जा रहा है। और आप लोगों को अभी एक बंदे से मैं और मिलाने वाला हूँ क्योंकि आज हमारी घर वापसी है और NS 200 देखने को मिलेगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो गाइस काफ़ी जाम लग चुका है, आप लोगों को आगे से मिलता हूँ। आप लोगों ने अभी कितना तगड़ा जर्क हुआ भाई के साथ, इस रोड में चलने जैसा नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हैं सिंगल रोड है। गाइस देख सकते हैं आप लोग जाम लग चुका है, शोरूम पे मिलता हूँ आपको, शोरूम पे गाड़ी लगाते हैं एक बार। नींदर डाल दे, मैं तेरी गाड़ी लगाता हूँ बाहर। हेलो गाइस, तो शोरूम में बहुत चुका है, अभी काम करवाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अभी देख सकते हैं ये खुल चुका है, क्लच प्लेट अभी चेक की थी, ये भी जल चुकी है और देख सकते हैं कितना गंदा और अंदर, और ये रही अपनी क्लच प्लेट है, काफ़ी बदतर हालत हो चुकी है, अभी ये चेंज कराएंगे। और ये देखिए इंजन ऑयल काफ़ी कम निकला क्योंकि देर से सर्विसिंग कराई थी तो इसलिए, और अभी और काम करा रहे हैं, बाकी आप लोगों को अभी दिखाता हूँ और जो इश्यू आ रहा है गाड़ी में। सो गाइस ये अपनी हाउसिंग है, क्लच प्लेट इसके अंदर फिट होती है, आपने देखा होगा ये कटोरा, और ये थोड़ा हिला था तो ये भी चेंज करा लिया क्योंकि इसकी वजह से ही क्लच प्लेट जल गई थी, एकदम प्रेशर पड़ गया था उन पर काफ़ी, तो ये भी चेंज करा रहे हैं।
तो गाइस ये मेरी क्लच प्लेट है और ये जल चुकी है देर में सर्विसिंग कराने के चक्कर में, और इंजन ऑयल भी काफ़ी कम निकला था और अभी गाड़ी की सर्विस चल ही रही है, इंजन ऑयल पड़ रहा है ये देखिए। और बाकी अभी इंजेक्टर चेक कराया था, साफ करवा दिए, और बाकी थोड़ा काम पैड वेट का रह रहा है इधर पे, तो अभी पैड बदलवाएंगे फिर उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से। गाइस तो थोड़ा अभी ये गियर लीवर का भी काम करा रहा हूँ क्योंकि गियर पड़ने में काफ़ी दिक्कत कर रहा है, ढीला हो जा रहा है एकदम, ये भी चेक करा रहे हैं। तो गाइस अभी फ्रंट डिस्क पैड भी चेंज करा रहे हैं, वो भी काफ़ी घिस चुके थे और प्लेटों से भी चूँ चूँ वाली आवाज़ आ रही थी, तो ये भी बदल रहे हैं अभी जेन्युइन वाले ओरिजिनल। A few moments later. तो फाइनली काम हो चुका है और करण भैया देखिए गाड़ी चेक करके आ रहे हैं, मजा आ रहा है। और गाइस आपके भाई को 6,500 रुपये की चपत लग चुकी है और अभी जा रहे हैं सीधे खाना खाने, फिर उसके बाद चलते हैं। गाइस अभी शोरूम से बिलिंग विलिंग करा ली है, अभी ये अपने आमिर भाई है यहाँ वहाँ के मैकेनिक, इनके साथ जा रहे हैं अभी बिरयानी खाने। और करण भैया को देखो काफ़ी मज़ा आ रहा है एकदम पीछे बैठ के, देख सकते हैं आप लोग, और फुल गर्मी हो रही है यहाँ पे, पसीने छूट रहे हैं मेरे और भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता तक नहीं किया है, अभी तक गाड़ी का काम चल रहा था 2-3 घंटे से, तो अभी सीधा जा रहे हैं हम लोग बिरयानी खाने ट्रांसपोर्ट नगर वही पिछले वाली जगह पे। तो गाइस पहुँच चुके हैं बिरयानी शॉप पे, भी खाते हैं बिरयानी एकदम मसालेदार वाली। करण भैया को भी काफ़ी भूख लग गई है, A few moments later. तो गाइस ये भाई से मिल लेते हैं और चलते हैं, ये अपने भाई है राकेश भाई, ये भी यामा के मैकेनिक है, अब यहाँ से जाने का टाइम हो रहा है। चलो ठीक है भैया, तो गाइस अभी सीधा चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली अपने वैनम का पूरा काम हो चुका है और देख सकते हैं अभी काफ़ी तगड़ी लग रही है वैनम, काफ़ी जाम लग चुका है, आगे से मिलता हूँ आप लोगों को। आप ऐसे कट का मार रहे हो इधर, तो ब्रेक मार लो ना अंकल, आप ऐसे कट मार रहे हो, अब तो मैं स्पीड में होता तो मैं ठुक जाता, ऐसे क्या बोल रहे हो, थोड़ा सही से चल लो। गाइस देखिए कैसे चल रहे हो, और देखना भाई पूरा गलत गाड़ी डाल के ठोक के क्या कह रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे चलो वाली बात, मैंने कहा मार दोगे क्या मुझे अगर तुम्हारे कोई आ गया है, तो मार ही दिया था वो तो हैंडल टच हुआ हल्का, मैंने कहा वो कर रहा है करके। गाइस देख रहे हो अभी खड़े खड़े मार दिया था, एकदम अपनी लाइन पे चल रहा था वो, तो सही है स्पीड कम थी, नहीं तो अभी सीधे गाड़ी भुस होनी थी बेकार में एकदम, ऐसे कैसे लोग आते हैं गाइस पता नहीं। चलो करण भैया आगे चलो, गाइस करण भैया का कट चेक कीजिए, गाइस हल्द्वानी के रोड पे हाइपर राइडिंग पुल, बस ये गाइस यहाँ पे आदमी एकदम गलत गलत चलते हैं, नहीं तो सही है रोड वैसे तो, और आप लोगों ने देखा अभी कितना बाल बाल बचा मैं। तो गाइस अभी आगे से बात करता हूँ आप लोगों से। गाइस अभी कमरा छोड़ने का टाइम आ रहा और करण भैया इधर ही रुक रहे हैं, कल जा रहे हैं यहाँ से देहरादून और अभी मैं इनको छोड़ के जा रहा हूँ। चल ठीक है ब्रो, तो गाइस अभी मैंने रूम चेकआउट कर लिया और आज बाइक का सारा काम हो चुका है, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से सीधे चोर गलिया वाले रास्ते होते हुए सैम भैया के पास, वहाँ से वो देंगे मुझे कंपनी, तो अभी सीधे चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को आगे, दिखाता हूँ आप लोगों को।